हाँ जी है, धारणा में डबल बोला है, धारणा में डबल पुरुषार्थ ही। जो सन्यासी होते हैं वो सिर्फ सिंगल सन्यास करते हैं, और हम तो सन्यासी नहीं है, हम कौन है? हैं? हम गृहस्थी हैं, बेहद बाप दादा की गृहस्थी के हैं। हमारा सन्यास सिर्फ मनसा का नहीं है, दुनियावी बातों का ही सन्यास नहीं है, हम कर्मेंद्रियों से भी सन्यास करते हैं। संपूर्ण न्यासी जीवन, वो सन्यासी कैसा सन्यास करते हैं? योग करते हैं, लेकिन कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा, और हम कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते हैं, और कर्मेंद्रियों से कर्म करने के साथ साथ मनसा का न्यास भी करते हैं, मनसा से याद भी करते हैं। और एक सरल शक्ति वाला दूसरा क्या कर्म शक्ति? सहन शक्ति, पवित्रता के आधार पर सहन शक्ति भी होती है। प्योरिटी नहीं होगी तो सहन शक्ति भी नहीं होगी। हाँ, धारणा में डबल बोला, एक सहन शक्ति और दूसरा क्या? सहन शक्ति का आधार है पवित्रता। कर्मेंद्रियों में अगर पवित्रता नहीं होगी तो सहन कर सकेंगे? माया वार करती है और हम सहन कर लेते हैं। और यहाँ ब्राह्मण को दुनिया में बेहद का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बाप है प्रेसिडेंट। क्या? बाप है प्रेसिडेंट। और जो कारोबार संभालने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। घर में संभालने वाला कौन होता है? बाप संभालता है घर में, माँ संभालती है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गई। और माया आधा कल्प तो राज्य करती है और आधा कल्प बाप का राज्य चलता है, लेकिन आधा कल्प बाप ये राजा माया का जो राज्य चलता है, उस राज्य में भी जब बाप आता है जिसे संगम युग कहते हैं, उसमें भी लंबे समय तक राज्य किसका चलता है? माया का राज्य चलता है। तो माया, उसको भी टाइटल मिला हुआ है सर्वशक्तिमान का। अभी भी माया सर्वशक्तिमान है या बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे? अभी लड़ाई चालू है या खत्म हो गई? रिजल्ट आ गई, चालू है, लेकिन चालू लड़ाई में भी बच्चे ज्यादा विजयी होते हैं या माया ज्यादा विजयी होती है? क्या होता है?
हाँ, लेकिन बाप ने हमको आथत दी है कि आखिरी रिजल्ट किसके पक्ष में होगी, आखिरी विजय तुम बच्चों की होनी है। और झाड़ के चित्र में कमल फूल को दिखाते हैं और राइट इसमें कृष्ण बच्चा को दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? कौन से चित्र में? झाड़ के चित्र में कमल फूल दिखाते हैं लेफ्ट में और राइट इसमें कृष्ण बच्चा को दिखाते, लेफ्ट में कमल फूल, कमल कहा जाता है किंग फ्लावर, जो भी राजाएं बनते हैं उन राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन, उसको कमल फूल की निशानी दी गई है और उसका बच्चा जो सतयुग में नारायण बनता है पहला वो कृष्ण है, जो कृष्ण बच्चा है वो स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है, इसलिए राइट साइड में दिखाया है। और कमल का फूल, बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? सिर्फ विदेशी बनकर के आया है, सारे विश्व का बाप है, स्वदेशियों का भी बाप है और विदेशियों का भी बाप है, इसलिए लेफ्ट साइड में दिखाया है। और जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। 18 में तो अष्टमणि का तो प्रत्यक्ष होता है, बाद में तो 108 रतन है ना, वो प्रत्यक्ष होने का टाइम में दुनिया वो मीडिया रहेगा नहीं रहेगा दुनिया भर में? मीडिया और सैटेलाइट इंटरनेट टीवी सब रहेगा नहीं रहेगा? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट सभी देशों में वृद्धि को पा रहा है या पीछे है? वृद्धि को पा रहा है और अंत तक वृद्धि को पाता रहेगा। इतना वृद्धि को पाएगा कि मुरली में बोला है दुनिया में चारों तरफ है एटमिक विनाश होता रहेगा छोटे बड़े शहरों में, और तुम बच्चे उसे प्रैक्टिकल में देखेंगे टीवी के अंदर। अभी भी मोबाइल से बात करते हैं, चित्र भी देखते हैं, बात करने वाले दोनों एक दूसरे का चित्र देखते हैं, इतना ही नहीं कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, 6-8 देशों में अलग अलग बैठ करके कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबका चेहरा भी देखते हैं, आंख से आंख भी मिलाते हैं, बात भी करते हैं, तो वृद्धि हो रही है, हद में ही वृद्धि नहीं हो रही है, बेहद में भी वृद्धि हो रही है। बहुत माताएं कन्याएं बोलती हैं कि बाबा के आने से 1-2 दिन पहले हमें पता चल जाता है, हमको खींच होने लगती है बाबा आने वाले हैं। और एक बात दूसरा नहीं, दूसरा कोई नहीं बोलते, लेकिन लगाव तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है, वो लगाव पूरा तृप्त होने के लिए क्या करना है, क्या करना है? प्रैक्टिस। मैं बिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के ही के साथ तो अनेक प्रकार के संबंध हैं। शरीर जब तक याद है, देहभान जब तक है, तब तक अनेकों संबंध है, और देवान याद नहीं रहेगा तो संबंध भी
खलास हो जाएंगे, बुद्धि में याद भी नहीं आएगी, एक शिव बाबा ही याद रहेगा। और काला कमल, कमल फूल जीवन बिताने वाले फूल एक प्रकार के होंगे कि अनेक प्रकार के हैं? कोई रक्त कमल है, कोई पीत कमल है, कोई श्वेत कमल है, श्वेत कमल के मुकाबले कोई काला कमल भी है। जैसे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं है कि एक प्रकार की माला पूरी हो जाएगी तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। जो माला में आने थे वो तो आ गए, तो बाप दादा ने कहा और भी मालाएं तैयार कर देंगे। तो एक धर्म की माला होती है या सभी धर्मों की अपनी अपनी मालाएं हैं? हैं? सभी धर्मों की अपनी अपनी मालाएं हैं। उन मालाओं में कमल फूल पार्ट बजाने वाले भी हैं। और ब्रह्मा में शिव बाप की प्रवेशता का कोई भोग नहीं है बता दीजिए। ब्रह्मा में शिव बाप की प्रवेशता हाँ। उसका कोई प्रूफ नहीं है ऐसे बता दे ना बाप। मुरलियाँ है ना, मुरली में आई। ये मुरलियाँ कहाँ से आई है? ब्रह्मा के मुख से ही तो आई। मना ब्रह्मा में विष्णु में प्रवेशता का प्रूफ नहीं है ऐसे। प्रूफ मुरली सच्चाई है, मुरली वेदवाणी है। ये वेदवाणी भले ब्रह्मा के मुख से निकली है लेकिन वाणी है किसकी? शिव बाप की वाणी है। भले समझने वालों ने वाणी का अर्थ नहीं समझा, वो तो भक्ति मार्ग में वेद है, उनका भी अर्थ पूरा कोई नहीं जानता। वेद को सत्य कहते हैं लेकिन वेदों को आज कोई पढ़ता है? कोई अर्थ जानता है? वेदों का कनेक्शन गीता से जोड़ेगा? वेदों को कोई नहीं पढ़ता। ऐसे ही ये मुरली है जो ब्रह्मा के मुख से चलाई तो गई है लेकिन गुह्यार्थ किसी को पता नहीं है। आगे चल करके जब प्रत्यक्षता होगी तो ब्रह्मा की वाणी सुनेंगे, या बाप की वाणी सुनेंगे? हैं? अभी भी गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आकर के वाणी चलाती है। उस वाणी को टैप रिकॉर्डर में सुनने वाले कितने परसेंटेज में लोग हैं जो ब्रह्मा द्वारा गुलजार दादी में वाणी चलाई जाती है उसे टैप रिकॉर्डर में बैठ करके सुनते हैं? नहीं है? हैं? आपने सुनी कभी? रात भर बैठ करके सुनेंगे तब एक वाणी पूरी होगी। आपने कभी सुनी है? अरे चेन्नई में आप तो मुख्य टीचर हैं। मुख्य टीचर नहीं नहीं सुनी तो दूसरे स्टूडेंट्स कहां से सुनेंगे? मिलता ही नहीं है वो ऐसे। कोई नहीं सुनता,
ऐसे ही ब्रह्मा ने जो वाणी पोपली आवाज में सुनाई है, वयोवृद्ध वाणी वयोवृद्ध तन से जब सुनाई है तो उस वाणी को कोई समझ पाता है? है? समझ भी नहीं पाते, कोई सुनते नहीं। अभी ये हाल है जबकि प्रत्यक्षता भी नहीं हुई पूरी, बाप का पार्ट गुप्त चल रहा है। तो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो कौन उसे पढ़ेगा? ऐसे ही भक्ति मार्ग में है, वेदवाणी कोई पढ़ता है, सुनता है, समझता है? नहीं। अभी यहां प्रैक्टिकल में हो रहा है, भक्ति मार्ग में फिर भक्ति के आधार पर चलेगा, प्रैक्टिकल में होगा। और शिव का मंदिर ऊंची जगह में ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, लेकिन तो तमिलनाडु में तो किधर भी ऊंचा स्थान में तो नहीं है। तमिलनाडु में किधर भी ऊंचा स्थान में तो नहीं है शिव का मंदिर, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में शिव का मंदिर ऊंचे टीले पर नहीं बनाया है, और उत्तर भारत में ऊंचे टीले पर बनाया है। तमिलनाडु इंडिया का, भारत का सबसे ज्यादा दक्षिणी प्रदेश है, या इंडिया का उत्तरी प्रदेश है, या मध्य का प्रदेश है? मध्य का भी नहीं, एकदम दक्षिण का प्रदेश है। वहां के लोग बाबा के मुख से निकली हुई भाषा को समझते हैं? भाषा को ही नहीं समझते। तो जब भगवान के मुख से चलाई हुई भाषा को ही नहीं समझते हैं तो वो फर्स्ट क्लास मुरली सुनने वाले हैं या नहीं? फर्स्ट क्लास मुरली सुनने वालों की लिस्ट में नहीं। तो मुरली पूरी समझ में आएगी जबकि सुनते ही पूरी नहीं है, सन्मुख वाणी सुनने के आदि नहीं है। सेकंड क्लास सुनते भी हैं तो भाषा प्रॉब्लम के आधार पर समझ में नहीं आती। तो जब बात समझ में ही नहीं आएगी तो उनकी बुद्धि में ये बैठेगा कि दुनिया का ऊंचे ते ऊंच पाटधारी हमको मिला है या नहीं मिला है? मिला है, है? अच्छा, जब उत्तर भारत के निकल पड़ेंगे, उत्तर भारत वहां प्रचार ईश्वरीय ज्ञान का पहले होता है या बाद में होता है? है, बाद में होता है। वो लास्ट में आएंगे और भाषा प्रॉब्लम न होने के कारण जल्दी समझ जाएंगे या देर में समझेंगे? है, जल्दी समझ जाएंगे। इसलिए जब जल्दी समझ जाते हैं तो वो ऊंचाई को भी परख लेते हैं। ये अंतर पड़ जाता है, ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाना अर्थात वो ऊंचाई पर जाकर बैठता है, बैठने वाला है, नीचे स्टेज में रहने वाला नहीं है। क्या नीचे स्टेज क्या होती है और ऊंची स्टेज क्या होती है? है, ऊंची स्टेज माने बेहद में क्या है? निरागारी स्टेज माना, आत्मिक स्टेज माना, सिर्फ आत्मा की याद रहे, हाँ, उसे ऊंचा कहेंगे। आत्मा की याद रहे, आत्मिक स्मृति रहे, बाप आत्मिक रूप में याद रहे, या जो साकार में बाप आया हुआ है
और जो कर्मयोगी बनकर के बाप रहता है, ऐसे कर्मयोगी की स्टेज में याद में रहना वो याद है ऊंची स्टेज वाली, या सिर्फ याद है ऊंची स्टेज वाली? वो मंदिर में यादगार है, चाहे वो मंदिर दक्षिण में बनाए गए हैं, चाहे उत्तर भारत में बनाए गए, चाहे वो अमरनाथ पर बनाया गया, वो यादगार है। कि कर्मेंद्रियों में भी जो कर्मेंद्रिय कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है, उस इंद्रिय के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है और आत्म की स्थिति में रहने वाला है। नहीं तो दुनिया में कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं तो मन कर्मेंद्रियों में चला जाता है या निराकारी स्टेज में रहता है? है? कर्मेंद्रियों के सुख में चला जाता है, कर्मेंद्रियां याद आती है, देह का सुख लेते हैं, देह के सुख में रमण करते हैं और वो ऊंचते ऊंचे स्टेज वाला जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, यादगार मंदिर, वो भी कर्म तो करता है या नहीं करता है? हैं? कर्म वो भी करता है। साधारण तन में आया है तो साधारण कर्म ही करेगा या असाधारण कर्म करने वाला है? साधारण कर्म ही करता है, लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी मनसा बुद्धि से निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी स्टेज में रहने के कारण इंद्रियां नीचे की ओर जाने वाली हैं, नीचे की ओर ले जाने वाली हैं, शक्ति छीन करने वाली हैं, या सशक्त करने वाली, सशक्त इंद्रियां कही जाएंगी। देवताओं की तो इंद्रियों की बात ही नहीं, लेकिन इस दुनिया में जिसे कलयुगी दुनिया कहा जाता है, यहां देवताएं तो नहीं है, देवताएं तो जन्म से ही निराकारी स्टेज वाले होते हैं, जो आदि सो अंत मध्य। यहां तो पैदाइश ही नीची स्टेज से होती है, तो सारा जीवन नीची स्टेज में जाता है। बाप आते हैं तो आप समान बच्चों को बनाकर जाते हैं, लेकिन नंबर बार बनते हैं या सब एक जैसे 100% बनते हैं? नंबर बार बनते हैं। और ब्रह्मा की आयु 100 साल मैं आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। 10 साल और 100 साल बराबर कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए कि बेसिक नॉलेज में चलते हैं तो ब्राह्मणों के लिए बेसिक नॉलेज हद की नॉलेज है या बेहद की नॉलेज है? हद की नॉलेज। हद की नॉलेज के अनुसार जो 100 वर्ष हैं ब्रह्मा के, बेहद की नॉलेज में वो 10 वर्ष के बराबर हो जाते हैं। सेवेंटी से लेकर के और 76 तक 6 वर्ष पूरे हो गए बेहद के ब्रह्मा के, माना 60 वर्ष पूरे हो गए।
उस बेहद की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, और जब 100 वर्ष एज हो जाती है तो ब्रह्मा मृत्युलोक खलास कर देता है, ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है। कैसे? तन के आधार पर खत्म हो जाती है या मन के आधार पर खत्म हो जाती है? हैं? मन के आधार पर। मनसा में कोई ऐसे संकल्प नहीं आते हैं जो दुष्ट संकल्प हो, मुरली के बरखिलाफ संकल्प हो, देवताएं श्रेष्ठ संकल्प वाले होंगे या भ्रष्ट संकल्प में भ्रष्ट इंद्रियों में रमण करने वाले होंगे? श्रेष्ठ संकल्प वाले होंगे, उनके अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प रहता ही है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होती है, मृत्यु लोक का मनन चिंतन मंथन खत्म हो जाता है, और अमर लोक में रहना माना कभी भी अनिश्चय की संकल्प न आना। अनिश्चय माना मृत्यु और निश्चय माना जिंदा रहना। और बाबा अंग्रेजी में बोल दीजिए, अनुवाद हो जाएगा। Now that हाँ सुना, सुन लिया ना, आज बाबा ही ने बोल दिया ना। हाँ वो आत्मा बीबी के पास आएगा। हाँ क्या वो आत्मा बीबी? वो माता जी कुछ पूछ रही हैं, बीच में ना बोलिए ना, वो ये पूछ रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं। हाँ निर्मल शांता ने सही छोड़ा, छोड़ दिया। हाँ फिर इंटरनेट बीबी के पास आएंगे वो आत्मा? आएंगे क्या? शरीर छोड़ने के साथ ही साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा बाबा का जो निराकारी रथ है वो उसी वर्ष ज्ञान में आ जाता है या नहीं आ जाता है? ऐसे ही निर्मल शांता ने शरीर छोड़ा तो एडवांस पार्टी में कोई एडवांस में पार्ट बजाने वाली परदादी है ऑलरेडी मौजूद, जिस परदादी के लिए अव्यक्तवाणी में बोला कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है ना, क्या जो कुमार का दादी हैं, निर्मल शांता दादी हैं, जो भी पुरानी पुरानी दादियां हैं, उन सब दादियों का तुम बच्चों ने श्रृंगार किया है, माना बेसिक वालों है या एडवांस वालों ने? हैं? एडवांस वालों ने बच्चों की तरफ इशारा किया, तो वो यज्ञ के आदि के पहले से ही है। निर्मल शांता दादी जो कलकत्ते में शरीर छोड़ा वो है आधारमूर्त परदादी, और बीज रूप आत्मा में परदादी वो परदादी है जिनके लिए बोला गया है दादियों की भी दादी। दादियों को भी सिखाने वाले आदि में धारणा का पार्ट बजा पढ़ाया और अंत में अब ज्ञान का पाठ पढ़ाएगी। जैसे ब्रह्मा की आत्मा को एडवांस का ज्ञान कौन से शरीर के आधार पर मिलता है? है? ब्रह्मा को एडवांस का ज्ञान जिसका मुख्य पॉइंट है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, ये पॉइंट ये पढ़ाई
ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में अभी तक नहीं बैठी है, लेकिन जब बैठेगी तो निमित्त मात्र शरीरधारी कौन निमित्त बनेगा है? कोई निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को ये निश्चय कराने वाला कि तुम सतयुग में कृष्ण बनोगे, ये निश्चय का फाउंडेशन डालने वाला कौन था है? छोटी माँ और प्रजापिता। ऐसे ही यहां भी निर्मल शांता दादी आधार मूर्त है और उनको निश्चय का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा जो एडवांस में नई दुनिया का फाउंडेशन डालने में मुख्य है, मुख्य पार्ट बजाती है। और सेवा का माँ प्रजा बना और माँ और पिता और मैं। आप तमिल में बोल दीजिए धड़ाधड़, तमिल में जल्दी जल्दी बोलो, इनको बताओ ऊपर। शिव प्रवेश किया ना है? शिव प्रवेश किया ना? हाँ जी। वो प्रजापिता माँ हो गया? नहीं, हाँ। शिव डायरेक्ट माँ में प्रवेश करता नहीं है ज्ञान सुनाने के लिए है। हाँ हाँ, तो जिसमें वो प्रवेश करता है वो उसकी जो क्या कहते हैं, बड़ा ब्रह्मा है, जिसे बड़ा महत्व माने बड़ा, जो बड़े में बड़ा ब्रह्मा है, पांच ब्रह्मा हैं, उन पांच ब्रह्मा में से जो बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा है वो प्रजापिता कहा जाता है। माँ हो गए ना? हाँ जी। बाप कौन है? वो माँ नहीं हो गई, माँ जो है वो हो गई जिसने सिर्फ देह के आधार पर बाप की वाणी को सुना। समझा नहीं? बाप वो है जिसने ज्ञान का बीज धारण कर लिया, और शिव ज्ञानी आत्मा है कि भक्तों का बीज है बाप। तो जो ज्ञानी है वो माँ है या बाप है? बाप है। तो बाप को आप समान चाहिए या देवान वाला चाहिए? आप समान चाहिए, इसलिए महत ब्रह्म है। और रूल तरीका है मधुबन में तो एयरपोर्ट आपसे महीने में आना ही करके। हाँ। में तो वो महीने में आने का वो किधर भी जा सकते हैं, किधर भी मधुबन में जा सकते हैं ना, कर्नाटक हाँ। हो या तमिलनाडु, किधर भी तो जा सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कहीं बच्चे तो हफ्ते में दो बार जाने वाला है, महीने में एक बार आने वाला है। अरे चारों तरफ ऑल इंडिया में मधुबन है, 10 मधुबन में 10 दिन चक्कर लगाओ एक महीने में, चक्कर तो लगा सकते हैं ना। हाँ, कोई पैसा आपके पास है आप खर्च करेंगे बाबा को देखने की, बाबा की वाणी फर्स्ट क्लास सुनने की, आपके अंदर ललक है तो कुछ भी करेंगे। लेकिन नियम आपने जो पूछा वो नियम यह है कि रोज ही गीता पाठशाला में या कहीं मधुबन में क्लास जरूर करना है, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। हर रोज जाने वाला फर्स्ट क्लास, हफ्ते में दो टाइम जाने वाला। चलो हाँ, इतना भी बहुत है, अगर अगर उसका प्रूफ मिल जाता है तो।
गीता पाठशाला में हफ्ते में दो बार जाते हैं तो साइन करते हैं कि नहीं गीता पाठशाला में, तो प्रूफ है, रेगुलर है कि तीसरे दिन जाते तो है ना, रेगुलर नहीं है। अगर आप गीता पाठशाला से नजदीक हैं तो रोज जाते हैं या तीसरे दिन जाते हैं चलेगा, लेकिन दूर रहते हैं तो 15 दिन में या 7 दिन में एक बार जाएंगे या रोज जाएंगे, एक ही बार जाना मुश्किल होता है, तो भी वो रेगुलर कहा जाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं आने वाला माता भी ऐसा है, बहुत देखेड़ी बहुत अवस्था है, डॉक्टर ने तो बोला बहुत रेस्ट लेना नहीं जाना था, डॉक्टर तो बोलते ही माता इनको जर्जरी बहुत अवस्था हो गया माता, उनको बोलते डॉक्टर ने तो मना कर दिया किधर भी नहीं जाना है, रेस्ट करना है। डॉक्टर लोग तो जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, डॉक्टरों के पास 10 बार चक्कर लगाओ तो कहते रहते हैं ये दवाई खा लो फिर बाद में फिर आना, तो कम मार के दवाई देते हैं, वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बाप क्या कहते हैं, हिम्मत है बच्चे मत दे, 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास करना है या नहीं करना है, और डॉक्टर क्या कहेगा है? अरे मर जाओगे, क्यों मौत के मुंह में जाने वाले हो, डॉक्टरों ने तो हमसे भी बोल दिया, डॉक्टरों ने बोल दिया मालूम है, अरे 70 साल के बाद कहीं रिकवरी नहीं होती है, पागलपन मत करो, बेड लेकर के पड़ जाओ आराम करो जिंदगी में। और आप डॉक्टरों के बारे में विश्वास कर लिया, अब हिम्मत है बच्चे कैसे बनेंगे। बाबा आज आने वाला गीता पाठशाला का बच्चा तो मेरी बात बता रही हूँ, मेरा बात है, हम कहाँ कहा आपने अपनी बात कही है। हाँ जी हाँ जी। और बाबा लक्ष्मी नारायण को नहीं देखता, नारायण लक्ष्मी को नहीं देखता, ऐसे कृष्ण राधा को देखता है, राधा कृष्ण को देखता है। हाँ? वो बिना देवान के रह ही नहीं सकते, इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो देवान में शरीर छोड़ा, कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में अपना साकार शरीर छोड़ा तो देवान में छोड़ा या आत्माभिमान में रह करके छोड़ा है, देवान में छोड़ा तो देवान में बंध गए, सूक्ष्म शरीर में बंधे या नहीं बंधे, बंध गए, वो ही बात उनकी अगला जन्म लेंगे तो उनका देवान कायम रहेगा। वो नहीं रह सकते कैसी स्टेज में है, एकदम निराकारी स्टेज जिसमें एक दूसरे को आंख से देखने की भी दरकार नहीं, तीसरी आंख से देखें एक दूसरे को, देवान का नाम निशान नहीं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का है नहीं, बस तो बाप से ही मिलता है ही बारा, बाकी ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं, इसमें ही बारा माना ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का है नहीं, बस तो बाप से ही मिलता है इन बारा, बाकी ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं, इन बारा माना क्या है, ब्रह्मा से कुछ वर्षा नहीं मिलता, इनकी कोई वैल्यू नहीं, और बाप से ही वर्षा मिलता है, इन द्वारा, इन माने एक नहीं, इस माने एक और इन माने कम से कम दो, दो कौन है, ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं, ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं माने इस ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं, ये इन नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ब्रह्मा की वैल्यू नहीं, इससे कोई वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा किससे मिलता है, इन द्वारा, इन कौन कौन है, दो, एक ब्रह्मा और दूसरा
है? हाँ बोलो, कौन कौन? हाँ शिव बाप और प्रजापिता, ब्रह्मा की बात नहीं है। वो तो पढ़ाई पढ़ने वाला है या पढ़ाई पढ़ाने वाला है? पढ़ने वाला कैसे वर्षा देगा? और प्रजापिता का शंकर नहीं था? हाँ हाँ, जो प्रजापिता है वो देवभान वाला है या फरिश्ता है? हैं? देवभान है तो प्रजापिता है। और फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, देह से कोई लगाव नहीं, तो क्या कहेंगे? फरिश्ता कहेंगे या रिश्ते वाला कहेंगे? फरिश्ता कहेंगे। ये स्टेजेस हैं आत्मा की। स्टेज अगर ऐसी बनी हुई है तो कहेंगे शंकर। उसमें तीनों आत्माएं कार्य करती है, मिक्स है पार्ट। अगर तीनों आत्माएं कार्य नहीं करती हैं, सिर्फ देहभान वाली आत्मा काम करती है, तो प्रजापिता कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। और फरिश्तापन का चेहरा, जैसे क्राइस्ट का चेहरा देखा, गुरु नानक का चेहरा देखा, है महात्मा बुद्ध का चेहरा देखा, क्या अंतर है? चेहरा तो देखा, लेकिन दुनिया के लोगों के चेहरे में और उनके चेहरे में अंतर क्या है? क्या देखा? हाँ हाँ, निराकारी स्टेज दिखाई देती है, चेहरे में चमक दिखाई देती है, आंखों में चमक दिखाई देती है। और आप अंग्रेजी में है या तो तमिल में बोलिए धड़ाधड़। शिष्य चक्र के चित्र में ओम राधे मम्मा को बैठाया हुआ है। ओम राधे मम्मा को कहाँ बैठाया हुआ है? ऊपर। हाँ, षष्ठ चक्र के ऊपर बैठाया हुआ है। जहाँ ऊपर बैठाया हुआ है वो जो घड़ी का सुई है वो इस तरफ है या इस तरफ है? देखो ध्यान से, पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है? देखो ध्यान से। अरे षष्ठ चक्र का चित्र नहीं रखा है? हाँ वो है ना नीचे। हाँ देखो पीछे है, आगे है। अरे वहाँ बैठे लोग बताओ ना, जो षष्ठ चक्र के चित्र के पास बैठे हुए हैं वो बताओ। मम्मा बाबा का जो चित्र रखा है षष्ठ चक्र सथिया के ऊपर, वो आगे की ओर रखा है या पीछे की ओर रखा है? है देखो, जो दो सुइयां है ना, उन दो सुइयों में आगे की तरफ है या पीछे की ओर है? और दूसरी है बीच में, दोनों के बीच में है छोटी वाली, और बड़ी वाली है फिर माँ बाबा की तरफ। हाँ बड़ी वाली बाबा की तरफ है ना। हाँ इसे छोटी वाली बीच में है दोनों के। हाँ छोटी वाली दोनों के बीच में है। इसे क्या साबित हुआ कि वो आगे की ओर पार्ट बजाने वाले हैं या पीछे की ओर पार्ट बजाने वाले बैठे हैं? जो भी मम्मा बाबा बैठाए गए हैं वो अगला पार्ट जो सतो प्रधान आने वाला है, सतयुगी पार्ट है, सतयुगी दुनिया का फर्स्ट जन्म का स्वर्णिम संगम युग का पार्ट धारी है या कलयुगी पार्ट धारी दिखाई गए? कौन से युग के पार्ट धारी दिखाए गए? स्वर्णिम स्वर्ग के पार्ट धारी दिखाए गए। और स्वर्णिम पार्ट कब से शुरू होगा?
जो संगम युग में स्वर्णिम सत्व प्रधान पार्ट है वो कब से शुरू होगा? 2018 से। तो वो 2018 में बैठे हुए मम्मा बाबा हम ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज को समझें, या ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज जिनमें प्रवेश करते हैं उनको समझें? हाँ, जिनमें प्रवेश करते हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि मुरली में बोला है इनको वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। कौन? ये ब्रह्मा और सरस्वती ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। मम्मा बाबा उनसे भी पहले कोई दूसरे पार्ट बजाने वाले थे, क्योंकि जिस समय ये चित्र बनाया गया उस समय वो आदि के पार्टधारी मौजूद थे हैं? नहीं थे, इसलिए उनकी जगह इनको बैठा दिया कि यही आत्माएं, यही शरीरधारी आत्माएं आगे चल के आने वाले पार्टधारियों में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे सतयुगी स्वर्णिम संगम युग में। इसलिए बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट चित्र तुम बच्चों को बनाना चाहिए। ब्रह्मा का एक्यूरेट चित्र बनाओ। ब्रह्मा कौन? जो नई दुनिया स्थापन करता है। इस ब्रह्मा ने नई दुनिया स्थापन की क्या? ये जो सफेद पोष ब्रह्मा बैठाया हुआ है, दादा लेखराज का चित्र दिया हुआ है, नई दुनिया स्थापन की क्या? नहीं। फिर विष्णु का चित्र वो भी चेंज करना है। क्यों? क्यों? जो दादा लेखराज का चेहरा है उसमें मूछें हटा दो तो विष्णु का चेहरा और दादा लेखराज का चेहरा एक जैसा दिखाई देगा। तो वहां भी दादा लेखराज को बैठा दिया है विष्णु की जगह, और शंकर की जगह भी चेहरा ध्यान से देखो, तीनों का चेहरा ब्रह्मा बाबा का चेहरा दिखा दिया। और मुरली में बोला है भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। किसको कहते हैं त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। और ज्ञान मार्ग में मैं तुम बच्चों को बताता हूं कि शिव की तीन मूर्तियां हैं, वो शिव की तीन मूर्तियां यहां नहीं दिखाई गई हैं, ये एक्यूरेट चित्र नहीं है। तुम बच्चों को, इनको नहीं, तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए त्रिमूर्ति का। तो एक्यूरेट चित्र कौन सा बनाएंगे? जहां ब्रह्मा बैठा है वहां जगदम्बा बैठाएंगे, जहां विष्णु है वहां वैष्णव देवी का पार्ट बजाने वाली वैष्णवी शक्ति दिखाएंगे, जहां शंकर बैठा हुआ है वहां विश्व पिता को बैठाएंगे। ये तीनों चेहरे अलग अलग होने चाहिए, तब कहेंगे विजयी विश्व तरंगा प्यारा। ये तीन रंग का जो बेहद का कपड़ा है वो विश्व में विजय करके प्राप्त करके दिखलाता है। ये ब्रह्मा सरस्वती विश्व में विजय प्राप्त करके नहीं दिखलाते, ये तो विश्व विजय प्रत्यक्ष होने से पहले ही शरीर छोड़ जाते हैं। इसलिए षष्ठी चक्र के ऊपर जिन ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया गया है वो बुद्धि से समझने की बात है कि ये षष्ठी रूपी ड्रामा के रंगमंच के हीरो पार्टधारी नहीं है, ये जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे भविष्य में वो हीरो पार्टधारी। जैसे झाड़ के चित्र में देखो ब्रह्मा सरस्वती को बीच में बैठा हुआ दिखाया गया है, झाड़ के चित्र में नीचे, तो वो ब्रह्मा सरस्वती आधार मूर्त हैं या बीज रूप हैं? आधार मूर्त। उनको भी जन्म देने वाली, उन जड़ों को भी आधार मूर्त को जन्म देने वाली आत्माएं कोई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो बीज रूप आत्माएं अलग है। और मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, कोई कोई
सिद्धार्थ के मिलने के क्या पुरुषार्थ है? स्कॉलरशिप मिलने के क्या पुरुषार्थ है? स्कॉलरशिप काला स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप अव्वल नंबर का स्कॉलरशिप लेना है या द्वयम तेम चौवन नंबर चौथे नंबर का कोई नंबर का स्कॉलरशिप लेना है? स्कॉलरशिप भी दो तरीके की दे तीन तरीके के हैं। एक स्कॉलरशिप तो अव्वल नंबर का है, वो अव्वल नंबर का स्कॉलरशिप लेने के लिए सिर्फ याद में रहना क्या सिर्फ याद में 100% नंबर लेना, अव्वल नंबर का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और दूसरे तीसरे चौथे नंबर का स्कॉलरशिप लेने में चारों सब्जेक्ट में पुरुषार्थ अच्छा करना पड़े और याद में भी अच्छा करना पड़े, क्योंकि याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे और याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। और झांसी की रानी कौन है? हाँ, जब ड्रामा का अंत होने वाला होगा, ड्रामा के अंत की शूटिंग होगी, बाप की प्रत्यक्षता होने वाली होगी और भारत माता शिव शक्ति अवतार प्रत्यक्ष होने वाला होगा, तो उसकी प्रत्यक्षता से पहले कलयुग के अंत में लेडीज पार्ट धारियों में वीरता का पार्ट बजाने वाली कौन होगी ब्राह्मणों की दुनिया में? महाकाली। महाकाली असुरों का संहार करने वाली है या डर जाने वाली है? है असुरों का संहार करने वाली है, तो जो यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पार्ट बजाती है वो ही वहां कलयुग के अंत में पार्ट बजाती है। लाठी बनना है बच्चों को, बेहद का लाठी मिलता है। हाँ, तुम बच्चों को बेहद की लाटरी मिलती है। हाँ, जो हद की लाटरी होती है वो तो रुपयों पैसों की लाटरी होती है, 1 लाख की, 2 लाख की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की लाटरी होती है, वो हद की लाटरी है और ये हमारी है बेहद की लाटरी। ये कौन सी लाटरी है? हैं? नहीं, तुम्हारी बेहद की लाटरी है ज्ञान रत्नों की लाटरी। क्या? हाँ, ऐसे रत्न 5000 वर्ष में कोई नहीं देता। ये तुम्हारे ज्ञान रत्न जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रत्न बन जावेंगे। हाँ, ओम शांति।